Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Division. Division of Earth according to Zoogeographical realms. अब सबसे पहले जो है ना अर्थ की जो डिवीजन हुई वो हॉरिजॉन्टल लाइफ रीजन के बेसिस हुई. द फर्स्ट अटेम्प्ट टू डिवाइड द अर्थ इनटू अ नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइफ रीजन्स, ठीक है. और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन थी ना ये डिपेंड करती थी एनिमल्स के ऊपर. और इसको एक साइंटिस्ट ने बनाया था जिसका नाम था डॉक्टर पी एल स्कॉल्टर. और ये बनी थी सीक्रेटरी जूलॉजिकल सोसाइटी इन लंदन 1857 में. ये कब हुई थी? 1857 में सबसे पहले जो है ना अर्थ की डिवीजन की गई ऑन द बेसिस ऑफ बर्ड डिस्ट्रीब्यूशन. ये डिवीजन किस बेसिस पे की गई थी? Division of Earth into horizontal life regions. ये किससे बेस करती थी? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्ड्स पे. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्ड्स पे ये बेस करती थी. किस किस को किसने दिया था? 1857 में दिया गया था डॉक्टर पी एल स्केल्टर ने. ठीक है, क्लियर है ये चीज. अब नेक्स्ट है जी, इसने जो है ना द रीजन प्रपोज्ड बाय डॉक्टर स्केल्टर उसको हम लोग जो है ना उसको डिफाइन करते हैं कि कौन से रीजन जो थे ना इसने डिस्क्राइब किए थे. सबसे पहले इसने कहा पहला इराक्टिक रीजन, दूसरा इथोपियन, एंड द थर्ड इज द इंडियन, फोर्थ ऑस्ट्रेलियन, फिफ्थ इज द मेरेटिक, ठीक है, एंड द नेक्स्ट सिक्स इज द न्यू ट्रॉपिकल. अब ये जो फर्स्ट वाले थे ना चार, पहले कौन से थे? पहले वाले चार, इसको नाम दे दिया गया पैलियो गया का, ठीक है. जबकि कि जो बाकी वाले थे ना इसको हम लोगों ने कहा, इसको कहा गया न्यू गेया का, ठीक है. ये कब हुई थी डिवीजन? 1857 की बात हो रही है. अब नेक्स्ट डिवीजन आई 1868 में, हैग्सले ने दी थी. किसने दी थी? हैग्सले ने दी थी 1868 में. हैग्सले अब इसने सजेस्ट किया कि जो अर्थ की जो डिवीजन है ना वो दो प्राइमरी डिवीजन होनी चाहिए. एक नॉर्दर्न, इसने क्या सजेस्ट किया था कि दो डिवीजन होनी चाहिए अर्थ इन टू प्राइमरी डिवीजन्स. एक थी नॉर्दर्न, एक क्या थी?
नॉर्दर्न, ठीक है, और दूसरी इसने कहा कि सौदर्न होनी चाहिए। नॉर्दर्न को उसने कहा दिया अरिक्टो गिया और सौदर्न को उसने कह दिया नोटो गया। जबकि फार्मर प्लेस निरेटिक, पैलाडेटिक और इथोपियन और इंडियन रीजन जो थे ना स्काल्टर के, किसके स्काल्टर के, कौन कौन से, पैलाडेटिक, इथोपियन, इंडियन, निरेटिक, क्लियर है ये चीज, ये जो थे ना स्काल्टर के वो इससे रखे। जबकि नोटोगिया यानी कि जो कि इसने थ्री प्रोवेंसेस में जो है ना उसको डिवाइड कर दिया, जिसको मैं मजीद आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। स्काल्टर के इसने कौन से रीजन यूटिलाइज किए, पैलाडेक्टिक, निरेटिक, इथोपियन और इंडियन। स्काल्टर के ही यूटिलाइज किए कौन कौन से रीजन, निरेटिक, पहला इरेक्टिक, ठीक है जी, नेक्स्ट इज द इथोपियन, फर्दर इज द इंडियन। रीजन ठीक है, ये कौन से थे, ये स्काल्टर के इसने यूटिलाइज किए। लेकिन इसने कहा कि जो ये जो बेसिकली जो है ना नोटोगिया इसको उसने ना इसकी थ्री प्रोवेंसेस किए, इसे कितने प्रोवेंसेस किए, थ्री प्रोवेंसेस किए। फर्स्ट ऑफ ऑल है जी ऑस्ट्रो कोलंबिया, सेकेंड हिस्ट्री ऑस्ट्रेलेशिया, थर्ड इज द न्यूजीलैंड। ये इस स्कीम को ना डिस प्रोपोर्शनेट कह दिया गया, इसीलिए जो थी ना ये जो डिवीजन थी ना ये डिस्कार्ड हो गई थी, डिस्कार्ड हुई। किसकी बात हुई है, 1868 में जो डिवीजन आई थी अर्थ। इसके बाद ना अल्फ्रेड रसेल वैलेस एक साइंटिस्ट था, कौन सा साइंटिस्ट था, अल्फ्रेड रसेल वैलेस, 1876 की बात हो रही है, 1876 में इसने क्या किया, इसने जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की एनिमल्स की ऑन द बेसिस ऑफ मैमल्स। इसने अपना क्लासिकल वर्क को पब्लिश किया, इसने क्या किया, क्लासिकल वर्क को पब्लिश किया किसमें, दी जियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ एनिमल्स पे, ऑफ एनिमल्स पे इसने अपने क्या किया, वर्क को पब्लिश किया। अब जब वर्क पब्लिश हुआ तो उसके अंदर जो ना स्टिल द स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑन द प्रोजेक्ट, जो कि अभी तक जो है ना सब्जेक्ट की जो है ना स्टैंडर्ड अथॉरिटी के तौर पर अभी भी ये जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन मानी जाती है। अब इसने जो थी ना डिस्ट्रीब्यूशन की थी ऑन द बेसिस ऑफ मैमल्स, मैमल्स को मद्देनजर रखते हुए जो थी ना इसने डिस्ट्रीब्यूशन की थी। इसकी रीजन क्या थी कि जो मैमल्स है ना, रीजंस फॉर सेलेक्टिंग मैमल्स, रीजन क्या थी जी, कि ये बेसिकली क्या है, इसको आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है, क्या किया जाता है,
आसानी से क्या किया जा सकता है, इसको देखा जा सकता है और इसके जो फॉसल्स है ना वो कसर से हम लोग को नजर आती है, अबंडेंस ऑफ फॉसल्स ऑफ मैमल्स। पहली रीजन है जी अबंडेंस ऑफ फॉसल्स हैं इसके मैमल्स के, ठीक है, जो कि फुली देन अदर ग्रुप द फीचर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन पास्ट। अगर हम लोग पास्ट में देखें तो मैमल्स के जो फॉसल्स हैं ना हम लोग को ज़्यादा बेहतर तरीके से और बड़े कसर से नज़र आते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ठीक है। ये किसकी बात हो रही है, मैमल्स की। सेकेंड रीजन ये थी कि केयरफुली स्टडी ऑफ सच फॉसल्स, जब हम लोग इन फॉसल्स की केयरफुली स्टडी करते हैं तो नॉलेज जो है ना लिविंग फॉर्म्स का क्लासिफिकेशन में बहुत ही एक्यूरेटली हो जाती है, क्लासिफिकेशन जो है ना बहुत ही क्या हो जाती है, एक्यूरेट हो जाती है, क्योंकि नॉलेज क्या है इसका ज़्यादा मिल जाता है ड्यू टू द स्टडी ऑफ फॉसल्स, क्लासिफिकेशन जो होती है ईजीली हो जाती है। अब जो थर्ड जो थी ना कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी वो ये थी, इसकी रीजन ये थी लिमिटेड मीन्स ऑफ डिस्पर्सल पोसेसिड बाय मैमल्स, कि बहुत ही कम तादाद में जो है ना डिस्पर्सल इसमें हो चुकी थी, क्योंकि इनके अंदर हाई पावर ऑफ अडोप्टेशन है, ना सिर्फ अडोप्टेशन है बल्कि ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत ही ज़बरदस्त होती है इनमें। इनमें क्या है जी, लिमिट है डिस्पर्सल, क्योंकि इनके अंदर क्या है जी, हाईली अडोप्टेड है ये, ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है बहुत ही अच्छी है, देन लेस डिपेंडेंट अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ फूड, ये बहुत ही कम जो है ना लेस डिपेंडेंट होते हैं, लेस डिपेंडेंट ऑन पर्टिकुलर फूड, ठीक है, ख़ास किस्म के फूड के ऊपर जो है ना लेस डिपेंडेंट होते हैं। इसके अलावा जो है वो मैमल्स आर मोस्टली जो है ना हम लोग को वाजिया तौर पर नजर आ जाते हैं, हम लोग को मॉनिटर करना आसान होता है, इनको कलेक्ट करना आसान होता है, ऑब्जर्व करना आसान होता है, ठीक है। इसके बाद जो मैं किसकी बात करने लगी हूँ, फोर्थ रीजन की, फोर्थ रीजन मैमल्स आर कलेक्टेड, इसको ऑब्जर्व करना बड़ा आसान होता है, ठीक है, और क्या है इसको मोनिटर करना बहुत अच्छा, बहुत आसानी से इनको पहना जा सकता है। फिफ्थ इज दी मैमल्स जो है ना वो वालेस ने ये कहा कि रिटेन द सेम क्लासिफिकेशन जो कि स्कार्टन ने रिपोर्ट पहुंच की थी ना, इसने भी वालेस ने वही लिखी, ठीक है, लेकिन सवाई के सवाई इसने ये चेंजेस किए, जो ओरिएंटल रीजन था ना बेसिकली, कौन सा ओरिएंटल, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया इंडियन ग्रुप के साथ, इंडियन रीजन में, ठीक है। अब जो यही बेसिकली थी कि अभी तक जो है ना मैमल्स के ऊपर इतनी अच्छी जो है वो उनकी आइडेंटिफिकेशन अच्छी हो जाती है, क्योंकि जो मैंने वजूहत बताई हैं इस वजह से अभी तक ये जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन वो बहुत ही इफेक्टिव है, क्लासिफिकेशन जो है ना वो अभी तक जो है ना हम लोगों को सब्जेक्ट में पढ़ी जाती है। वालेस टाइम मैनी मॉडिफिकेशन हैव बीन सजेस्टेड बाय लेटर ऑथर्स, क्योंकि जो ओरिजिनल स्कीम वालेस ने पेश की थी ना उसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा ऑथर्स ने चेंजेस की थी, लेकिन इसके बावजूद भी जो वालेस क्लासिफिकेशन है वो अभी तक जो है ना सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट और वैलिड कंसिडर होती है, ठीक है, थैंक यू।